नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक का ऑफिशियल साइट पे देखेंगे कैसे हम लोग फॉर्म को मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं या एडिट वगैरह का क्या फैसिलिटी है। नए स्टूडेंट भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखो, ये मैं ऑफिशियल साइट पे आया हुआ हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पर देखो, सबसे पहला लिखा हुआ क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, तो इसी पे आपको क्लिक करना। सबसे पहला जो ये है, इसी पर आपको क्लिक करना है। देखो, मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक जैसे करोगे तो इस तरह का आपको पेज खुलेगा, और इसमें देखो सबसे ऊपर में ही लिखा हुआ है PECE, है ना, सबसे नंबर वन पे है ना, ये वाला पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे क्लिक करोगे इस तरह का पेज खुलेगा, और यहाँ देखो साफ लिखा हुआ है कि 6 नवंबर से आप एडिट कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो मार्कशीट। और कब तक लास्ट डेट है? 10 नवंबर लास्ट डेट है। ठीक है, देख लो यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो जो नया स्टूडेंट है, जो झारखंड पॉलिटेक्निक 2020 का फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं, उनको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जो नए स्टूडेंट है उनको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके वो फॉर्म को भर लेंगे। कैसे भरना है वो मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि नया रजिस्ट्रेशन बिल्कुल उसी तरह से करना है। और जो लोग भर चुके हैं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर, जो लोग फॉर्म को भर चुके हैं, मार्कशीट को अपना अपलोड नहीं किए हैं, या जो अपना जो मार्क्स उनको आया वो अपलोड नहीं किए हैं, उनको जो है इस पे क्लिक करना है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर। और यदि वो अपना यूजर आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करना है। फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करोगे ना तो आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांगेगा, उसके थ्रू आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका यूजर आईडी और पासवर्ड क्या है। क्लियर है? और नहीं तो यदि आपको यूजर आईडी पासवर्ड याद है तो आप इस पर क्लिक करो, ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर। और जो झारखंड पॉलिटेक्निक 2020 का फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, उनको न्यू रजिस्ट्रेशन पे करना है। क्लियर? तो मैं जो बच्चा भर चुका है उसके लिए बता रहा हूँ, ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर पे इस पे क्लिक करो, सेकेंड नंबर पे। लॉगिन आईडी और पासवर्ड भरने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपको इस टाइप का पेज खुलेगा। तो ये स्टूडेंट अपना मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड नहीं किया था, तो इसीलिए देखो यहाँ पर अपलोड का इसको ऑप्शन आ रहा है और एग्जिट का ऑप्शन आ रहा है। क्लियर है? इसका अपलोड करना है तो इसको चूज फाइल पे मैं क्लिक कर दिया, फाइल में सेलेक्ट किया, और इसका फोटो यहीं पर है। देखो 468 KB का है, तो 500 KB तक चलेगा। तो ये फोटो को मैं इसका सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ये फोटो इसका सेलेक्ट हो गया। इसमें इसका देख लो मार्कशीट यहाँ पर अपलोड हो गया। अब यहाँ पर अपलोड का है, देखो अगर यहाँ गलत फोटो आ जाता है तो आप अपलोड मत करो, फिर से इसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है? लेकिन ये सही फोटो है, तो अब इसमें मैं अपलोड का बटन पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर क्लिक कर लूंगा अपलोड। देखो अपलोड का बोल दिया कि योर टेंथ, योर क्लास टेंथ और इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट इज अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पर आ गया प्रिंट एंड फाइनल सबमिट। तो प्रिंट एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक किए तो इसका देखो पूरा फाइनल सबमिट हो गया। यहाँ देखो मार्कशीट वगैरह मिल गया है ना, यहाँ पर देखो फाइनल सबमिट है। फाइनल सबमिट पे क्लिक किए, बोल रहा है रिक्वेस्ट यू आर टू वेरीफाई ऑल इनपुट, मतलब चेक कर लो कि सारा सही है या नहीं। ठीक है, तो इसका मैं चेक कर ले रहा हूँ सारा सही है या नहीं है। तो ये तो सारा फॉर्म इसका सही भरा हुआ था, सारा इसका फॉर्म जो है भरा हुआ सही था है ना। तो इसको डायरेक्ट प्रिंट पे हम लोग क्लिक कर दे रहे हैं। प्रिंट पे जैसे क्लिक करोगे तो सेलेक्ट प्रिंटर वगैरह का ऑप्शन आ रहा, तो प्रिंटर तो मेरे पास अभी यहाँ सेट नहीं है, कनेक्ट नहीं है ना। तो अब ये इसका फाइनल फॉर्म जो है वो भरा चुका है। यहाँ से एग्जिट हम लोग कर लेंगे,
फाइनल उसका भरा चुका है, ठीक है। अब मैं एक दूसरे बच्चे का दिखाऊंगा, लेकिन इससे आप साफ समझ में आ गया कि एक तरह से एडिट का ऑप्शन नहीं दे रहा है, मार्कशीट अपलोड का दिया, एडिट का नहीं दिया, क्लियर। और जो है कुछ बच्चा जो मार्कशीट अपलोड कर चुका है उसका मैं दिखाता हूँ, उसमें एडिट का, उसमें मार्कशीट अपलोड का भी ऑप्शन नहीं देगा फिर से, तो उसका कैसे सॉल्यूशन होगा पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं बात करता हूँ। पे जैसे क्लिक करोगे आपको इस तरह का पेज खुलेगा और यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी मांगेगा, यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी मांगेगा जो आपका यूजर आईडी है। तो आपका 6 अंक का जो यूजर आईडी है डाल दो। तो मैं एक बच्चा का आपको करके दिखा दे रहा हूँ। यूजर आईडी डाल दिया, उसका पासवर्ड डालना है, पासवर्ड मैंने डाल दिया। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक कर दिए, जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का पेज खुलेगा। देखो यहाँ पर प्रिंट एंड फाइनल सबमिट और यहाँ एग्जिट का ऑप्शन है, मतलब कोई एडिट का ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो स्टूडेंट लोग के मन में यही डाउट है कि आखिरकार एडिट कैसे किया जाएगा। एडिट का यहाँ ऑप्शन मिलना चाहिए था लेकिन यहाँ पर एडिट का ऑप्शन नहीं है। एक ही तुरी अचानक एक ही तुरी फाइनल प्रिंट एंड फाइनल सबमिट का ऑप्शन है। जैसे इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो देखो इसका प्रिंट आउट आ जाएगा, पीडीएफ टाइप का खुल जाएगा, है ना। देखो इसका फोटो थंब वगैरह आ गया और यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करना था लेकिन बच्चा गलत से कुछ और फोटो अपलोड हो गया, है ना। अब इसका कोई भी सुधारने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो आखिरकार क्या किया जाए इस पर मैं थोड़ा देर में लाइव आकर आप लोग से बात करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।